इंडिया से, और आज आपको हम लेके आ रहे हैं नेरे नाम के एक छोटा सा आउटस्कर्ट्स पुणे के, और यहाँ पे स्थित वायु मित्र के बायोगैस फार्म के ऊपर में। आइए चलो। इस फार्म को शुरू किया हुआ है प्रियदर्शन जी ने, और मजेदार बात प्रियदर्शन जी की यह है कि आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद में सब अपना पिताजी के फैक्ट्री वगैरह छोड़ करके वो फार्मिंग में आ गए हैं और बायोगैस प्लांट बनाने में आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको खेती दिख रही है, धान लगाया हुआ है, यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई हैं, पपीते हैं, टमाटर है, और साथ में ये दो बड़े दिलचस्प मियावाकी फॉरेस्ट लगाई हुए हैं लोगों ने अंदर। मियावाकी फॉरेस्ट के ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन काफ़ी डेंस फॉरेस्ट जापान के मियावाकी साहब ने शुरू किया है, वो भी इस फार्म में आपको मिलेगा। तो हम आपको पीछे जो टैंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 20 टैंक है, और जो कंपनी है जो इन टैंक को ओन करती है उसका नाम है वायु मित्र। ये लोग बायोगैस प्लांट्स बनाते हैं, आपके घर में से जो भी पत्ते, किचन वेस्ट, छिलके, जो सब्जियों के और फलों के, आप सीधा इन टैंकों में डाल दीजिए और आपको कंपोस्ट भी मिलेगा, और साथ साथ में आपको नेचुरल गैस यानी कि मीथेन भी आपको मिलेगा, जिससे आपके घर के चूल्हा जल सकता है। तो ये टैंक है जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल अंदर जाता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में आप अपना वेस्ट डाल सकते हैं, और इसके अंदर में आपके होते हैं बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अपना खाना वाना खा करके जब पाद मारते हैं तो उसी को गैस बोलते हैं हम लोग, और ये सारे पदियाँ एक साथ आपको बाहर निकल करके मीथेन नाम की गैस होती है, और आपको ये मीटर होते हुए चले जाती हैं। ह्यूमन पद्दी अमोनिया होती है, बैक्टीरिया की पद्दी मीथेन होती है, फर्क होता है दोनों के बीच में। और आपका ये सोचना होगा कि हम लोग अंदर सब कुछ डाले जा रहे हैं इतना सारा खाना, तो पद्दी के अलावा और भी कुछ निकलता है? हाँ निकलता है। आपको हफ्ते में एक बार यहाँ से खोल करके इसका सुसु निकालना पड़ता है। ये देखिए, ठीक है, इसको फर्टिलाइजर मानेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी टमाटर की खेती है, और इस टमाटर की खेती में हम लोगों ने इसको डाल दिया, पूरा खाद बन गया। इसके लिए भी आपके कचरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व और खाद का प्रॉब्लम भी सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे वायु मित्र के खुद के कल्चर जनरेशन के लिए करीब 20 टैंक लगे हुए हैं, और इनको जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो आसपास के होटलों का, तो आपकी बिरयानी होटल की ज़्यादा बन गई तो चिकन के साथ यहाँ पे अंदर चली जाती है, ठीक है। और हमको ये पता चला है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, अभी जैसे छिलकों में या पत्तों में आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, हालांकि डाल सकते हैं आप इसको, कांग्रेस घास भी अंदर डाल सकते हैं, वो खा लेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चावल का जो पदार्थ है जिसमें कि स्टार्च लेवल ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया को ज़्यादा पसंद होता है, तो उसकी वजह से गैस वहाँ पर ज़्यादा निकलती है। तो ऑन द होल आपका एक परिवार का जो रिक्वायरमेंट है गैस का वो करीब 1,000 से 1,500 लीटर है। एक सोसाइटी समझो जिसमें एक 15-16 बिल्डिंग है, वो आपको एक या दो परिवार की गैस दिन में जनरेट कर सकती है सबका वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। तो वो टैंक जो आपने देखे उसकी जो गैस है वो इस बलून में जमा हो रही है। हाँ, मैंने कहा बलून मतलब एक फुग्गा, जो एक क्या कहते हैं गुब्बारा, राइट। तो ये आपको भी, ये भी एक गुब्बारा है जो आधा भरा हुआ है, जैसे जैसे गैस भरते जाएगी गुब्बारा उड़ते जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पास कितनी गैस है गुब्बारे की हाइट को देख करके। ये आधा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। इस गुब्बारे में आपको समझ लीजिए 10,000 लीटर गैस पड़ी पड़ी है, मतलब कि एक हफ्ते का खाना एक परिवार का इस गैस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, रफली 60% मीथेन 40% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, और ये फिर अंदर जा रहा है हमारे चूल्हे की ओर,
चूल्हा आपका नॉर्मल चूल्हा जैसे ही है, लेकिन क्योंकि गैस का प्रेशर कम होता है इसलिए चूल्हे के अंदर वो जो गैस बर्नर के जो होल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हमारे वायुमित्र की टीम ने आज हमको बहुत बढ़िया पोहे खिलाए और अंडे भी खिलाए साथ में। कमलेश जी तो खैर वीगन है, अंडा खाने वाला मैं ही था। और अब जो हमारा बचा खुचा सामान है, अब पता नहीं कमलेश जी को ये अच्छा क्यों नहीं लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ डालना है अंदर। तो ये अभी हम यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं। अंडा गया अंदर, पोहे गए अंदर और वायुमित्र के लोग खुश हो गए। तो वायुमित्र के इनपुट के लिए एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आसपास के जो सब्जी मंडी हैं वो लोग यहाँ के आपने आकर के जो सब्जियाँ बची हुई हैं, जैसे ये ड्रमस्टिक देख रहे हैं आप, ये पत्ते हैं, पुराने सीताफल, टमाटर, ये सारा का सारा इधर डंप कर देते हैं और ये भी टैंक के अंदर जाता है और गैस और कंपोस्ट बन जाता है। हमारे साथ गणेश शिवसागर जी हैं और इनके एक पास में ही सब्जी का स्टॉल है। तो ये उनका रोज का सब्जी का वेस्ट है और मुझे थोड़ा सा कभी कभी अचरज होता है गणेश जी की, इतने ठीक ठाक गोभी जो लग रही है लोग फेंक क्यों देते हैं, ऐसा फेंकना चाहिए क्या? अभी कस्टमर बोलते हैं अच्छा नहीं है, कीड़ा है इसमें, कुछ है अलग अलग मिट्टी लगी हुई है, इसलिए वो फेंक देते हैं। तो अंदाजन आपका दिन में कितना किलो कचरा निकलता है? कम से कम लगभग 70-60 किलो लगता है। 60-70 किलो डेली के? कम से कम एक 40 होटल है। अच्छा, इसलिए वो उनका कचरा वेस्टेज ज्यादा निकलता है। अच्छा, हमारे साथ अभी गौतम जी हैं वायुमित्र के और उनको जरा पूछते हैं कि कितने गैस का उत्पादन यहाँ पे होता है और अलग पदार्थ के कितने गैस का उत्पादन अलग अलग तरीके से होता है। ये एक सिंगल डाइजेस्टर है हमारे पास, एक तो ये अकेला एक डाइजेस्टर 1000 लीटर्स ऑफ गैस दे सकता है एट फुल कैपेसिटी। सो यहाँ पे हमारे पास 20 डाइजेस्टर है ऐसे ही, तो 20 डाइजेस्टर्स का मतलब हुआ 20,000 लीटर ऑफ कुकिंग गैस हमें ये दे सकता है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो 20,000 लीटर का मतलब एक परिवार को एक दिन में खाना बनाने के लिए कितने लीटर लगता है? एक परिवार को 1000 लीटर लगता है, तो मतलब 20 परिवार एक साथ एक दिन में बना सकते हैं या एक परिवार के लिए 20 दिन का गैस जमा हो गया एक दिन में। ठीक ओके। और आप हमको थोड़ा सा वो अंदर जो पड़ा हुआ है चीज़ जो है वो आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा? जी अच्छा, ये तो ठीक है, चल ये आ रहा है क्या? ये हमारा स्लरी है। अच्छा, तो ये बेसिकली अंदर हाथ डाल सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली, एकदम सेफ है। ठीक है, और पीएच इसका 7 है। 7 है पीएच, मतलब न्यूट्रल है। ओके, तो ये 7 पीएच परफेक्ट होता है हमारे बायोगैस के डाइजेशन के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सेम चीज हम मतलब न्यूट्रिएंट रिच हो गई फूड वेस्ट डाल के, तो इट कैन बी फेड टू द प्लांट्स। चलो पपीते के पेड़ में डाल दें इसको। जी आइए। अभी मैंने इसको थोड़ा कंसेंट्रेटेड डाल दिया है, लेकिन डाइल्यूट करके हम जनरली इसको डाइल्यूट करके डालते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि। अब हम मिलने जा रहे हैं प्रियदर्शन जी से, जो कि वायुमित्र के पीछे मुख्य हस्ती हैं। तो प्रियदर्शन जी, आपके हम लोग फार्म जाके आए अभी और हमने वहाँ पे जो चीज़ें हैं देखी और अब आपके घर पे आए हुए हैं, तो आप हमको बताइए कि घर के एप्लीकेशन में क्या क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा हमको समझाइए इसके बारे में। तो मैं एक हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, हमारी 7 स्टोरी बिल्डिंग है और हम अभी टेरेस पे खड़े हैं। तो हमारे इस विंग में 21 फैमिलीज रहते हैं, 21। तो ये जो 21 फैमिली का जो फूड वेस्ट है उसके लिए कॉमन सिस्टम हमने टेरेस पे बिठाई है छत पे। तो ये वो सिस्टम है, पूरे हर फैमिली अपना फूड वेस्ट सेग्रीगेट करके रखती है बाहर और हमारे जो विजय करके हैं वो सब कलेक्ट करके वायु को फीड करते हैं। इससे जो गैस बनता है वो इस बलून में हमने स्टोर किया है। फिलहाल मैं पूरी तरह से मेरा कंप्लीट कुकिंग मेरे बिल्डिंग के फूड वेस्ट पे हो रहा है पिछले अंदाजन 1.5 साल से। तो 1.5 साल से मैं LPG फ्री हूँ, कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे सिटी में रह के भी कुकिंग कर रहा हूँ। तो अभी काम करते हैं, विजय जी को दिखाते हैं, पूछते हैं कैसे वो लोड करते हैं। विजय जी आप हमको दिखा सकते हैं कि इसमें कैसे लोड किया जाता है? ये कमलेश जी आप एक बार यहाँ का देख लीजिए सामान, ये है आज का यहाँ का कचरा, चावल है किसी के आलू प्याज के छिलके, अंडे,
ठीक है विजय जी, दिखाइए हमको क्या करना है आगे। अभी कुछ सबसे पहले तो बदल से तो जब मेरे बिल्डिंग के छत पे ही ये विषय क्लोज हो रहा है तो यही फूड वेस्ट वो कॉरपोरेशन की गाड़ी में जाएगा और वो 20 किलोमीटर दूर हमारे डंपिंग यार्ड में जाएगा, उससे तो ये आसानी है ना। और दूसरी बात 10% फैमिलीज, मतलब हमारे 21 फैमिलीज है तो अराउंड 2 फैमिलीज अपना पूरा खाना इस पर बना सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ 10 आदमी का कचरा एक आदमी की गैस, 10 फैमिलीज का कचरा एक फैमिली का गैस, ये थंब रूल है। और उससे हम ये जो ये LPG भी सऊदी अरेबिया या पता नहीं कहाँ से हमने इम्पोर्ट ही किया है, सो वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट, हम उस पर इम्पोर्ट्स पे पूरा डिपेंडेंस है हमारा। तो इन सम सेंस हमारा एक लोकल कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंस। आपके सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं? तो मेरी बिल्डिंग में इस विंग में 21 फ्लैट्स है, 21 फैमिलीज। ओके, और पूरा 3 बिल्डिंग है ऐसी? ऐसी 3 विंग्स है ऑफ 20। तो मतलब कि 60 फ्लैट हैं आपके बिल्डिंग सोसाइटी में पूरा। तो समझो अगर 60ों के 60ों ने डिसाइड कर लिया कि हम अपना फूड वेस्ट आपको दे रहे हैं, तो इसमें से कितने लोगों को गैस मिल पाएगी? ओके, थंब रूल से 10% लोगों को गैस मिल सकता है, मतलब 60 लोगों का फूड वेस्ट अगर मिला तो 6 फैमिलीज उस पे अपना पूरा खाना पका सकते हैं। करेक्ट, और आपने अगर सामने वाली बिल्डिंग को इंक्लूड कर लिया तो सारे के सारे लोग को मिल जाएगा। हाँ, अब वो तो है, पीछे की बहुत बड़ी सोसाइटी है उसको इंक्लूड किया तो आप गैस बेच भी सकते हैं शायद। और दूसरी बात, एक छोटा भी होटल होगा तो वो भी 50 kg, 60 kg फूड वेस्ट। अच्छा, आराम से दिन में 50 किलो छोटे होटल का फूड वेस्ट है। तो और लोग इस तरह के सोशल टाइप्स कर रहे हैं, मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने अपने घर के नजदीक जो छोटा सा होटल है उनका फूड वेस्ट वो डाइजेस्ट करके पूरी तरह से LPG फ्री है। तो ये सोशल सॉल्यूशन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियदर्शन जी, ऐसे कितने सिस्टम्स आप लोग अभी तक इंस्टॉल कर चुके हो और कहाँ कहाँ कर चुके हो? अभी तक हमने अंदाजन 200 सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं, मेजरली वो पुणे एरिया में है लेकिन कुछ इंस्टॉलेशन हमने कोलकाता में किए हैं, रांची, रायपुर, जैसे हमें मौका मिला हम वहाँ वहाँ गए मेजरली। लेकिन हमारे इंस्टॉलेशन पुणे और एरिया में है, उसमें से मेजर इंस्टॉलेशन इंडिविजुअल्स के हैं, मतलब जिन्होंने अपने बालकनी में अपने छत पे, बंगलों वाले लोग ज्यादा करके और फ्लैट वाले भी, जैसे मेरी खुद की सिस्टम, पर्सनल सिस्टम, मेरा खुद का वेस्ट भी इधर नहीं आता, वो मेरे फ्लैट में ही छोटा सिस्टम है उसमें जाता है। तो मेजरली ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू बी वेस्ट रिस्पॉन्सिबल, हमारा वेस्ट बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और अभी हम जीरो एनर्जी इंडिपेंडेंस है, पूरा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। एटलीस्ट 10% ऑफ माई एनर्जी आई विल सब्स्टिट्यूट मेरे खुद के वेस्ट से। तो ऐसी मेजरली इंस्टॉलेशन है, सम इंस्टॉलेशन आर इन सोसाइटीज जैसे इस तरह के हैं, कुछ इंस्टॉलेशन कैंटीन्स में है जो कंपनीज के कैंटीन्स है। ठीक है, ताकि वो ईंधन वही इस्तेमाल कर लेंगे फिर। हाँ, और कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है अपने वेस्ट के लिए और उनको भी एक रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने की दिशा में एक उनका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। कुछ इंस्टॉलेशंस है मैरिज हॉल्स में और होटल्स में। ओके, तो प्रियदर्शन जी बहुत धन्यवाद, आपने हमको सब घुमाया दिखाया। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट है वायु-वित्रा.com। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू।